और चलिए देहरादून की बात करते हैं, जहां पर ई रिक्शा को लेकर हमेशा ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। इसको लेकर कि परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा ने कहा कि ई रिक्शा शहर में ट्रैफिक जाम कर रहे हैं और वो 25 की स्पीड से ई रिक्शा को चलाते हैं और रिक्शा में यात्री भी असुरक्षित होते हैं, उनसे दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए हमने फैसला किया है कि ई रिक्शा 5 राज्यों में मेन सड़कों पर नहीं नजर आएंगे। हुए ये हम लोगों ने प्रपोजल बनाया है कि जो देहरादून, ऋषिकेश, विकास नगर, रुड़की, हरिद्वार के शहर हैं, उसके जो मुख्य मार्ग हैं, वहां पर ई रिक्शा के संचालन को नियंत्रित किया जाए और ई रिक्शा का संचालन ऐसी जगहों पर किया जाए जहां पर कि घर घर तक सार्वजनिक सेवा उपलब्ध हो और लोग अपने घर से ई रिक्शा का उपयोग करके मुख्य मार्ग तक पहुंचे। और मुख्य मार्गों पर जो हमारे सार्वजनिक सेवा के जो स्टेज कैरेज की बसेस हैं, छोटी और बड़ी, उनका उपयोग करते हुए पूरे शहर में यूज करें। इसको देखते हुए हम लोगों ने ये प्रपोजल बनाया है और परिवहन आयुक्त महोदय के माध्यम से भेजा है, जिसमें हम ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन और म्युनिसिपल जो हमारी पालिका और निगम है उनका भी उपयोग करें।